से बड़ी खबर है महीने भर से सुलग रहा कूड़े का ढेर लगातार निकलते धुए से लोग परेशान हैं धुए से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं देहोरा नगर और नगर की घटना है हम लोग शिकायत किए हैं और बोले भी हैं और शिकायत करने के बाद उनसे जो चेयरमैन साहब के पास भी जो उनके जो चाचा जी नेताजी उनसे भी बोले थे वो बोले की हाँ हो जाएगा लेकिन अभी तक की कोई ऐसी समस्या नहीं है गो तो के बहुत सारी दिक्कत होती है जब बरसात आ जाती है तो हम लोग लो चलने लायक रास्ता नहीं रह जाता है आने जाने में भी कितने प्रयोजन अपने बच्चों को लेकर गिर जाते हैं जिसको पड़ता है वहाँ पे दरअसल वो नाले में कूड़ा पड़ गया है उसकी वजह से दिक्कत आ रही है वहां तक पाइप वगैरह नहीं पहुंच रही थी तो दमकल विभाग से जो गाड़ियां मंगाई गई थी उनके द्वारा बुझाने का प्रयास किया जा रहा है हमारे द्वारा भी एक स्पेशल टैंकर जो है जिसमें प्रेशराइज मशीन वाला है उसको यूज़ किया जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है बुझ जाए वो तो क्या वो कूड़ा भी हटेगा वहाँ से कूड़ा भी हटेगा पूरा कूड़ा हटेगा और वहाँ पे आगे चल के पूरा लिगेसी वेस्ट का जो डंप साइट था वो भी पूरा क्लियर हो जाएगा उसको भी कंपनी को नोटिस दी दी गई जहां एक तरफ सरकार स्वच्छता अभियान और कूड़ा निस्तारण को लेकर अभियान चला रही है वहीं बलिया नगर इस गंगा नदी के किनारे जाने वाले रास्ते के पास जो है शहर के निचले इलाकों में कूड़े का ये ढेर लगाए हुए है और इससे उठता धुआं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह कूड़ा जल रहा है पिछले काफी दिनों से ये कूड़ा जल रहा है और जिसकी वजह से इसके पीछे जो रिहायशी इलाका है वहां हजारों की आबादी रहती है और वो आबादी इस धुएं से प्रभावित हो रही है लोगों का कहना है कि नगर से कई बार शिकायत करने के बावजूद भी नगर पालिका इस कूड़े को ना तो हटाने का काम कर रही है और ना ही इस आग को बुझाने का बलिया से मनोज चतुर्वेदी जी मीडिया